तो दोस्तों बिहार डीलेट एडमिशन से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर आप सभी को यह बताने आया हूँ कि जो आप सभी का फॉर्म मेरिट लिस्ट जारी होने वाली है वो उसे के तो कल या परसों तक ऑफिशियली अप टू डेट कर दी जाएगी। तो ये सारी बातों बताने आया हूँ, साथ ही आपको ये बताऊंगा कि आप लोग का कुछ कॉलेज है जिसका मान्यता रद्द कर दी गई है। तो ये सारा न्यूज को अप टू डेट करने आ चुका हूँ, तो टाइम लेते हुए चलिए शुरू करता हूँ। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आकाश धनराज और स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉइड पाठशाला में। आगे जाने से पहले तो देख सकते हैं ये राज, तो जो आप सभी के कहने पे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। तो अगर आप चाहते हैं बिहार डीलेट एडमिशन से रिलेटेड पल पल का न्यूज प्राप्त करना तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आप लोगों के कहने पर मैंने कुछ प्राइवेट कॉलेज से कंसल्ट किया हूँ, तो बिहार में अगर आप चाहते हैं कहीं भी डायरेक्ट एडमिशन लेना प्राइवेट डीलेट कॉलेज में तो आप डायरेक्ट मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पे तो सभी कॉलेज का जो फी है आपका सिर्फ और सिर्फ 1,10,000 है। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक मारना और जितना ज्यादा हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर करो ताकि उन सभी तक ये न्यूज मिल जाए। दोस्तों बातें आगे, तो दोस्तों देख सकते हैं ये रहा जो आप सभी को पहले से ही पता होगा कि आप सभी का फाइनल मेरिट लिस्ट 27 तारीख को जारी किया जाएगा, यानी कि दोस्तों कल। तो हो सके दोस्तों सभी जिला का जितना भी डाइट कॉलेज है, पीटीसी कॉलेज है, वो सभी एक साथ अपडेट नहीं करेगा, धीरे धीरे अपडेट करेगा। तो दोस्तों कल 27 तारीख से 11 बजे सुबह से लेकर शाम को 5 बजे तक आपको अपडेट करते रहेगा। और हो सके तो अधिकतर कुछ ऐसा कॉलेज है जो आपको परसों यानी कि 28 तारीख में अपडेट करेगा। जो भी आएगा मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू बता दूंगा कि कहाँ से किस तरह से आपको डाउनलोड करना, किस तरह से आप अपना फाइनल मेरिट लिस्ट देखिएगा और उसमें अपना नाम कैसे सर्च कीजिएगा। पूरा जितने बिहार में जितना भी जिला है वो सभी जिला का डायरेक्ट कॉलेज है, सभी कॉलेज का वन बाय वन करके आपको बताऊंगा, साथ ही सभी वेबसाइट का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर है जो आपको मैं बताने आया हूँ कि 27 तारीख को यानी कि कल से हो सके तो आपका लाया जाएगा। और इसका जो डेट है ऑफिशियली 28 तारीख तक आपका टोटल अपडेट कर दी जाएगा सारा वेबसाइट का फाइनल मेरिट लिस्ट। अब बात रहा है कि 29 तारीख को आप सभी का नामांकन हेतु तो सूचना जारी किया जाएगा। ये सूचना आपको डायरेक्ट हो सके तो एसएमएस के द्वारा या तो वेबसाइट में अपडेट किया जाएगा या हो सके तो जो भी होता है आपका पेपर होता है पेपर के माध्यम से या तो मीडिया के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी या हो सके तो आपको डायरेक्ट जीमेल में आपको मैसेज कर दिया जाएगा। तो 29 तारीख को आपका सारा अप टू डेट आ जाएगा कि आगे का ऑडिशन का प्रोसेस क्या है, काउंसलिंग कैसे है, डॉक्यूमेंट कैसे कैसे आपको अप टू डेट करना है। प्लीज तो आप जान लेते हैं कि कुछ कॉलेज का जो नाम है रद्द किया गया है वो कौन कौन सा कॉलेज है। और इसी बीच दोस्तों आपको जो भी डाउट आ रही है आप कॉमेंट सेक्शन में जाकर कॉमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि आपके सभी कॉमेंट को मैं वन बाई वन करके पढ़ता हूँ और सभी को लाइक भी करता हूँ, साथ ही उसी कॉमेंट के अनुसार मैं वीडियो भी लेकर आता हूँ। तो आपको जो भी डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उस पर जरूर रिप्लाई दूंगा। और इसी बीच वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों और व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर भी कर देना। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ, जिसमें बताता हूँ कि दानापुर में एक कॉलेज है, बिहार का पटना जिला है, पटना जिला के ही में पड़ता है दानापुर, जहाँ पे तत्काल पिछले महीने वहाँ पे कॉलेज थी जो आपका प्राइवेट कॉलेज थी। वो प्राइवेट कॉलेज क्या था कि आपका डीलेट भी उसमें होती थी, ठीक है, लेकिन अचानक क्या किया कि वो जो कॉलेज है डीलेट के साथ साथ फार्मेसी का हो गया, वो भी एडमिशन लेने लगा, तो वहां से उनका मान्यता रद्द कर दिया गया। ऑफिशियली उस कॉलेज का जो नाम है इसको आपको मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि कुछ कॉलेज का मान्यता रद्द की गई है, जैसे आपका हो गया दानापुर का, उसके बाद एक आपको नालंदा में दो की तीन कॉलेज रद्द की गई है, और उसके बाद तो पूर्णिया में भी आपको रद्द की गई है, और दोस्तों इसके बाद दो तीन जिला और है जहाँ पे अभी तत्काल मुझे ऑफिशियली नोटिस नहीं मुझे मिल पाई है, बस ये पता चला है कि वहाँ पे कॉलेज का नाम रद्द किया गया है, उस कॉलेज का मान्यता भी रद्द किया गया है। लेकिन दोस्तों मैं बताता हूँ कि धीरे धीरे ये जितना भी कॉलेज का मान्यता रद्द किया गया है उसमें कुछ फैसिलिटी होती है, उस फैसिलिटी को वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, जिनके कारण उनका मान्यता एनसीटी के द्वारा बिहार बोर्ड के द्वारा मान्यता रद्द कर दिया जाता है। लेकिन कोई बात नहीं है, वो तुरंत कुछ ना कुछ करके वो तुरंत मान्यता ले लेते हैं, तो हो सके तो जैसे ही वो कॉलेज का मान्यता वापस मिलेगी तो मैं आपको अपडेट अपडेट कर दूंगा। लेकिन हाँ दोस्तों मैं उस कॉलेज का नाम भी यहाँ पे ऑफिशियली नहीं ले सकता हूँ, बस मैं आपको इतना बताता हूँ कि अगर आप जहाँ भी एडमिशन लेते हैं तो अच्छी तरह से इंक्वायरी कर लीजिएगा कि वो कॉलेज एनसीटी से अप्रूव्ड है कि नहीं, बीएसईबी यानी कि बिहार बोर्ड से अप्रूव्ड है कि नहीं, एआईसीटी से अप्रूव्ड है कि नहीं, और साथ ही आप ये देख लीजिएगा कि वो कॉलेज का रिकॉर्ड क्या है पिछले 5 साल में। बस ये सारा इन्फॉर्मेशन जानने के बाद ही आप एडमिशन लीजिएगा। और तो मैं बताता हूँ कि अगर आप चाहते हैं बिहार में कहीं भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना तो दोस्तों तो मैं पर्सनली मैं आपको गाइड करूंगा, और मैं बता देता हूँ कि उसी कॉलेज से मैं बीएड भी किया हूँ, तो जो मैं कॉलेज में आपको बताऊंगा वो कॉलेज आपके लिए फुलफिल होगी और 100% रियल अच्छी कॉलेज होगी। अगर आप चाहते हैं उस कॉलेज में एडमिशन लेना बिहार में कहीं भी, तो
तो आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको मेरे स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर डायरेक्ट आप व्हाट्सएप थ्रू मैसेज करके या तो कॉल करके हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और कुछ प्रीफरेंस भी दिया जाएगा, वो प्रीफरेंस क्या होगा क्या नहीं होगा अगर आपको जानना है तो उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा कॉल करके या तो व्हाट्सएप के थ्रू। और उसमें बताता हूँ कि जो कॉलेज की जो फी होगी सिर्फ और सिर्फ 1,10,000 फी होगी, उसमें आपका सारा मैनेज कर लिया जाएगा। तो ये थी, तो किसी प्रकार का डाउट आ रही हो कमेंट में बताइएगा मुझे। और वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक में शेयर कर देना। तो वीडियो देखने धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।